देखो गाइस देखो, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। स्वागत करता हूँ एक और सीने ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरे तरफ से हर एक स्टाफ को हैप्पी डिटेल्स डे। हाँ तो हैप्पी डिटेल्स डे। और गाइज आज मैं भी वैसे एक स्टाफ हूँ, तो आज हम अपने स्टोर में आ चुके हैं और अभी ना एंट्री चल रहा है, और एंट्री के बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। बाकी सभी लाइन पे है, मैं दिखा देता हूँ। और मैं अभी आगे हूँ और यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है आगे। ओके ओके कर चुके हैं और हमें ये मिला। तो गाइस हमारी परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है मैम से। मैम हमें बता रहा है कि रिटेल डे क्यों मनाया जाता है। इस गेम में मैं ही जीतता, पर ये हुआ कि मेरे जूते ने धोखा दे दिया, बहुत ज्यादा स्लिप हुआ, वरना मैं ही जीतता।
मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे सो साल। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा गुण बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता, जारी से मोहब्बत का मोल दे, निदर मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा बोल दे। तू बढ़िया बजा मेरी, स्लोली स्लोली स्लो मोशन में, स्लो मोशन में आज सही है। अभी बज रहा है दोपहर की 1:32 और हमारे जो फंक्शन है वो चल के आधा खत्म हो चुका है। और अभी ना लंच कर रहे हैं हम, और लंच हम वैसे घर से भी लाए थे, और अभी ना यहाँ से भी हमें लंच दिया जा रहा है। और पता नहीं क्या दिया जा रहा है, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि क्या क्या दे रहा है इनको। मिला है क्या? मिला है चाउमीन और मंचूरियन। अच्छा, चाउमीन और मंचूरियन। यहाँ पे लंगर चल रहा है, देखो सबको डब्बे मिले हैं। हाँ, और लंगर में हम भी बैठे हुए हैं। ये बहुत फेवरेट दोस्त है। हाँ, जो साथ में मिलके अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ओ चटनी वाले भैया, चटनी वाले। तो गाइस मैं बता दूं, ये भैया चटनी वाले भैया है हमारे। 50 रुपए की चटनी है। अच्छा, इनकी ड्रेस देखो लाल है, चटनी भी लाल है। और गाइस ये है हमारे चटनी वाले भैया, बोले तो एक सीक्रेट नाम है पर मैं बोलूंगा नहीं। देखो गाइस देखो, सभी को मिल चुका है, हमें नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है। देखो हाँ, अभी अभी देखे जा रहे हो, सबसे कह रहे कि दे दो दे दो दे दो, नहीं दे रहा था। हो मंचूरियन लाओ आपको। बिल्कुल। Oh my god, look at this chowmein and manchurian. I like manchurian. Oh, you like manchurian? Okay. Delicious. Swadishth hai. तो चटनी के साथ मजा आ गया खाके। तो गाइस जो भी हो लंच पहले कर लेते, उसके बाद जो नेक्स्ट का प्रोग्राम होगा मैं दिखा दूंगा आप सभी को। तो गाइस लंच तो हमने कर लिया है, मैंने आप सभी को दिखाई तो दिया था ना कि क्या क्या मिला है हमें लंच में, ठीक है। तो वो खाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी है उनका पेट नहीं भरा और वो बाहर आके खुद का लाया हुआ लंच खा रहा है। और ये देखो, ये है वो लोग हैं जो चाउमीन खाने के बाद, हाँ एक प्लेट चाउमीन वो भी भरा हुआ खाने के बाद भी देखो कैसे खा रहे, रोटी सब्जी, ये देखो फिर से रोटी। अरे भाई कम खाया कर यार रंजन, हैं साले तेरे पेट है या फिर क्या है? ये भी कम पड़ रहा है। अच्छा आप भी हो क्या? हाँ, मैं भी हूँ। अच्छा सरदारनी मतलब आप ही हो हैं? अच्छा तो कोई नहीं गाइस, हम इन्हें मना तो नहीं कर सकते, इनके खाना इन्हें ही खाने देते हैं। और हम चलते हैं दूसरे साइड पे, बाकी दूसरे साइड पे कोई खाना खा नहीं रहा होगा क्योंकि उनका पेट मेरे जैसे फुल हो चुका है, ठीक है। वैसे अभी देखते हैं और क्या होता है, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक।
आप सभी को और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। एक ताऊ हो रहा है, दो ताऊ बस में चढ़ने लगा भाई। ठीक है, अब बस में आगे के एक ही सीट खाली रहे। अब भाई अहमद भी पिछली सीट से चढ़ने लगा। अहमद भाई लम जैसा छोरा भाई जवान रहे तो भाग तब फटते से अपना एक रुमाल घेर दस सीट पर। अब वो ताऊ कहने लगा, ताऊ सीट तो मेरी है। ताऊ कहने लगा अगर अच्छा सीट तेरी है, अब मैंने चद्दर दिन जन बता रखी तो बस मेरी है भाई, बस तो बाहर लेकर। दो नाइट मतलब अंजाम कुछ नहीं जानते हुए, तो सुबह का टाइम और लैट्रिन के लिए निकल जा बाहर, मतलब रात होने के लिए जाते हैं बाहर। तो सुबह जैसे ही दिन निकलता है तो सूरज निकल गया, तो कहने लगे जो कहा निकल रहा भाई, बोल रहे तो चांद है। एक कह रहा हूँ सूरज आयो, बोला चांद आयो, दोनों मुक्का बज पड़ा है। तो निकाला लड़ तोड़ तो मतलब परेशान हो जाए, तो मेरा तवा है निकाला तवा, तो सब पूछ गए तो सुनिए। हाँ बेटा अगर तब ये कहा निकल रहा, तो तब मन में होचा रूँगा हाँ यार मैं सब जाए नाइडी दिख कहे, तो गला तब भी स्मार्ट जवाब देता है बाप मुझे नहीं पता तेरे गांव में कहाँ निकल रहा है, तो मैं मतलब दूसरे गांव का छू। मन में मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, नहाए वास न जाए। इसका मीनिंग है कि हम कितना भी नहाते हैं, बाहरी सुंदरता दिखाते हैं, लेकिन जो मन का मैल होता है, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं रखते हैं, बैर रखते हैं, जेलसी रखते हैं, वो अपने मन में ही रखते हैं। बाहरी सुंदरता तो हम उसके सामने दिखाते हैं, लेकिन मन में जो उसके प्रति जो बहुत ही ज्यादा रोष होता है और बदला होता है वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन मन के अंदर रहता है वो चीज। तो इस दोहे का यही मतलब होता है, और कबीर जी ने भी यही कहा कि अगर आपके मन में मैल है तो फिर किसी भी तरह का मेल मिलाप आप नहीं कर सकते लाइफ में। थैंक यू। सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, वो आंखें इतनी गहरी थी, मैं अब भी डूब रहा हूँ। ये सारा खेल में सिमट कर भराया, किसी की मात न हुई, किसी ने सह नहीं पाया। क्या है और क्यों बनाया जाता है वो आपको स्मिता ने मॉर्निंग में बता दिया था, राइट। आई विल नॉट गो बैक इनटू दैट कि रिटेल एम्प्लॉयज़ होता क्या है, कैसे है, वो सब नहीं मैं आपसे बात करूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहूंगा आज के रिटेल जो एक इंडस्ट्री है उसका स्कोप क्या है आपके से। तो गाइस रिटेल डे की जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, और हमें आज के दिन तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आप सभी को मज़ा आया होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और सीनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बेबी सरकार।